नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। गणेश विसर्जन में बहस, मारपीट, पत्थरबाजी और आग चली, ऐसे सांप्रदायिक हिंसा की आग में सुलग उठा कर्नाटक का मांड्या। कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में आर्थिक अनियमितता के मामले में ईडी की छापेमारी। कश्मीर में शांति, लेकिन वो किसी शमशान की तरह, बोली महबूबा मुफ्ती। कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक हिंसा पर बोले एसपी, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। ब्रजभूषण बनाम रेसलर केस पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे पैरालंपिक से करेंगे मुलाकात। हरियाणा चुनाव कांग्रेस ने जारी की नई लिस्ट, 40 उम्मीदवारों का ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है, यहाँ ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा। जेडीयू ने गठबंधन के लिए लालू यादव का दरवाजा नहीं खटखटाया, तेजस्वी के बयान पर नीतीश के करीबी ने किया पलटवार। बहराइच में लगातार जारी है लंगड़ा सरदार, भेड़ी एक आतंक, देर रात महिला पर किया हमला। देहरादून, हरिद्वार समेत उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, नैनीताल में स्कूल भी बंद। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला है, सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन इस आईपीओ में पैसे लगाने के लिए निवेशक उमड़े। एप्पल के आईफोन 16 को हाथों में लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये फोन आपको जल्दी मिल जाएगा। 20 सितंबर से एप्पल ऑफिशियली इन स्मार्टफोन को यूजर्स के खरीदने के लिए अवेलेबल करेगा। लेजेंडरी एक्ट्रेस और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और दिग्गज फिल्मकार कमाल अमरोही की प्रेम कहानी अब बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी, दोनों की लव स्टोरी पर फिल्म बनाने का ऐलान हो गया है। सोहम शाह की हॉरर फिल्म तुम्बाड़ का नाम भी जुड़ गया है, सोहम शाह की हॉरर फिल्म 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में फिर से वापस आ रही है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों के T20 सीरीज का पहला मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला गया है, इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 28 रनों से हरा दिया है, ट्रेविस हेड ने एक बार फिर अपना जलवा बिखेरा। ग्रेटर नोएडा में बारिश, गिली आउटफील्ड और खराब व्यवस्थाओं के कारण अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट बगैर कोई बॉल डाले रद्द होने की कगार पर। सरकार के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली 2 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करने वालों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक नई सर्विस शुरू की है। सरकार ने बुधवार को निर्यात और आयात से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए एक व्यापार पोर्टल शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में बड़ा फैसला किया गया, अब देश में 70 साल से अधिक उम्र के हर सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।